Hello everyone and welcome to my channel. My name is Trishita and I am doing MCA from JNU. तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट डे एट JNU. उसमें कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे जिनका शायद मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ. तो इस वीडियो में JNU MCA रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनका रिप्लाई करने की आंसर्स देने की कोशिश करूँगी. बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि JNU में MCA 2 साल का होता है या 3 साल का. तो JNU में MCA 2 साल का होता है एंड 4 सेमेस्टर्स होते हैं. मैं अभी 2nd सेमेस्टर में हूँ और हमारी बैच स्ट्रेंथ है 58, मतलब हमारे बैच में टोटल 58 स्टूडेंट्स हैं. तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो बेसिकली मैंने NIMCET के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था YouTube से ऐसे वीडियोस देख के. एंड JNU के लिए मैंने जो PYQs होते हैं लास्ट 5-6 ईयर्स के वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, जो मुझे बहुत मतलब हेल्प मिला था उससे. और जो मॉक टेस्ट होते हैं मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी दिए थे. तो अगर आप JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लास्ट जो 5-6 ईयर्स के PYQs है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बस यही था. तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कैसा जाता है JNU का. 2021 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था फर्स्ट लिस्ट में 79 और थर्ड फोर्थ लिस्ट में कट ऑफ था ऐसे 74-75 था. अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर ओवरऑल अगर आपकी 80 प्लस मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इज़ JNU गुड फॉर MCA. JNU इज़ वेरी गुड फॉर MCA. यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डन PhD फ्रॉम IITs. बट अगर आप NIMCET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि NITs, क्योंकि NITs बहुत अच्छी होते हैं MCA के लिए, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. देन दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU BHU इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर MCA. सो फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ JNU की प्लेसमेंट्स कैसी होती है. JNU की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती हैं. हमारे जो सीनियर्स थे मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड इन सम गुड कंपनीज and their highest package was around 14 lakhs per annum and average package was around 6 to 7 lakhs per annum. So that's all about JNU MCA. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.